الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أوصله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہم سب کا داتا ہے بگڑیاں بنانے والا ہے نفع نقصان کا مالک ہے موت و حیات کا مالک ہے جو علی کل شیء قدیر ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام مجتبی امام الرسل خاتم الانبیاء آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال امام اعظم خطیب اعظم قائد اعظم امام الانبیاء خاتم الانبیاء آقا دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے حضرات و سامعین سال کے 12 مہینے اور ان 12 مہینوں کے دنوں میں اس مہینے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو سب سے بڑا دن ہے جس کو 22 جون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرات گرمی ہم محسوس کر رہے ہیں گرمی اپنی شدت پہ ہے سورج اپنے جوبن پہ ہے گرمی اپنا آپ دکھا رہی ہے انسانوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں بارشیں ہو نہیں رہیں
ये एक किस्म का सैंपल है जहन्नम की आग का। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस कायनात के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसका ज़िक्र किया हो, जिसका बताया गया हो और उसको दिखाया ना गया हो। ये गर्मी जहन्नम की आग का एक सैंपल है। अंदाज़ा कीजिए कि ये जो सैंपल है ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़ा सा दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए तो हमारे जिस्म पे छाले निकलने शुरू हो जाते हैं, पित्त निकलनी शुरू हो जाती है, एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। तो उस वक़्त का आलम क्या होगा कि जब एक मील की मुसाफत पर सूरज होगा, तांबे की तपती हुई ज़मीन होगी, नंगा बदन होगा और सामने गुनाहों के बड़े बड़े अंबार से बड़ा हुआ रजिस्टर, हमारा नामा आमाल हमारे सामने होगा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उस दिन सख्त तरीन गुस्से के आलम में होंगे, जहन्नम सामने होगी। ये सारा मंजर देख के वहाँ पे इंसानों पर क्या हैबत तारी होगी, कभी हमने उसके बारे में तसव्वुर किया है? अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सब को दुनिया और आखरत में हर किस्म की सख्तियों से, हर किस्म की आजमाइशों और आज़ाबों से अपनी रहमत से महफूज फरमाए। हजरात, ये दुनिया है, हम इस दुनिया में जी रहे हैं और इस दुनिया की गर्मी को महसूस कर रहे हैं। इस दुनिया की गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए किसी इंसान ने चिलर लगाए हैं, किसी ने हस्बे तौफीक एसी लगा लिए, बड़ी बड़ी अलमारियां लगा लीं ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। किसी ने अपनी इस्तेआत हिम्मत और तौफीक के मुताबिक अगर एसी और चिलर नहीं लगवा सका, उसने कूलर लगवा लिए। अगर किसी के पास उतनी भी इस्तेआत हिम्मत और तौफीक नहीं, उसने पंखे से गुजारा कर लिया कि यार गर्मी की शिद्दत को मैं कम कर सकूं। अगर किसी के पास पंखे की भी गुंजाइश नहीं तो वो हैंड फैन से अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश करता है। इस कायनात का गया गुजरा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं, जो चिल्लर भी नहीं ख़रीद सकता, एसी पंखा कूलर और ये सारी चीज़ें नहीं ख़रीद सकता, वो क्या करता है? अपने दामन से कपड़े को हटा के अपने चेहरे को हवा देता है कि मेरे चेहरे और जिस्म को सुकून मिल जाए। ये दुनिया की गर्मी, दुनिया की शिद्दत, दुनिया का टेम्परेचर, दुनिया की हरारत हम कम करने के लिए हमने इस कदर इंतजाम कर लिए। एसी लग गए, चिलर लग गए, कूलर लग गए, पंखे आ गए, सारा कुछ हमने कर लिया। जहाँ पे गौर व फिक्र करने वाला जुमला ये है कि क्या हमने अपनी आखरत के लिए, अपनी आखरत की गर्मी को कम करने के लिए भी कुछ किया? दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसको कम करने के लिए हमने जो भी हमारे पास इंतजाम थे हमने कर लिए। आखरत की गर्मी, आखरत की शिद्दत, आखरत की हरारत, उसको कम करने के लिए भी क्या हमने कुछ तैयारी की है? इस पर आज हमने गौर व फिक्र करना है। और इसी के मुतल्लिक ही अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद का ये मुकाम सूरत तहरीम इसके अंदर इन आयात को उतारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। दुनिया की आग में हम किसी को जलता देख लें, उसके जले हुए जिस्म को देखें, उसकी तकलीफ़ को इंसान महसूस करता है कि यार इसको कितनी शदीद किस्म की तकलीफ़ हो रही होगी। उसके गले सड़े जिस्म को देखा नहीं जाता, उसकी तकलीफ़ को देखा नहीं जाता। आज हमारे घरों के घर, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ बहनें, हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे रिश्तेदार, तमाम के तमाम उस आग में जुलस रहे हैं जिस आग के मुतलक आसमान वाले रब ने खुद ऐलान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ लोगो बच जाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आज हमने उस आग से बचने की तैयारी करनी है, उस गर्मी की शिद्दत से अपने आप को बचाने की तैयारी करनी है। गर्मी की शिद्दत जो दुनिया में है, इसका मंजर भी हमारे सामने है। हजरात, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ये भी सिर्फ गर्मी है। वगरना जिस तरह के मेरे और आपके अमाल हैं, जिस तरह की हमारी करतूतें हैं, जिस तरह के हमारे गुनाह हैं, हम तो यकीन जानिए इतने गैर गुजरे हो चुके हैं। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के दौर को देखें, मुफस्सिरीन बयान करते हैं सबसे आखिरी सहाबी, सबसे आखिरी सहाबी जो नबी अलैहिस्सलाम का शागिर्द है, जब वो ताबईन के अंदर बैठे हुए थे ना, तो उन ताबईन के अंदर और उस कौम, कुंबे, कबीले और ख़ानदान के अंदर
कुछ ऐसे गुनाहों को देखा कि जो वो बेदरेग होके बेधड़क होके वो गुनाह कर रहे थे, जिस तरह हम झूठ बोलने को कोई गुनाह ही नहीं समझते, चोरी करने को कोई गुनाह ही नहीं समझते, छोटा सा गुनाह है, बात बात पे बोहतान, बात बात पे इल्ज़ाम, बात बात पे झूठ और बात बात पे एक दूसरे की इज्जत को उछालना हम मामूली समझते हैं। सहाबी ने जब उन लोगों के अंदर कुछ गुनाहों को देखा तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे अफसोस हो रहा है कि ये गुनाह जिनको आज तुम मामूली समझ के कर रहे हो, अल्लाह की कसम है नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हम इन गुनाहों को बहुत बड़े पहाड़ की मानिंद जाना करते थे, बड़े बड़े पहाड़ समझा करते थे, और यूँ समझ के हम इन गुनाहों के करीब ही नहीं जाते थे जिनको आज तुम मामूली समझ के कर रहे हो। हमारी हालत आज यही है हजरात, हमारे लिए लम्हा जो फिक्रिया है, हमने गर्मी से बचना है दुनिया में भी और आखरत में भी, तो अगर हमने दुनिया और आखरत की गर्मी दोनों से बचना है तो उसके लिए आज हमें तैयारी की ज़रूरत है। तैयारी कैसे करेंगे, याद करिए कि ये दुनिया जैसी भी है, इंसान गर्मी की शिद्दत में गुजार ले, इंसान अच्छे माहौल में गुजार ले, गर्मी की शिद्दत को कम करने में गुजार ले, ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार ले, मरने के बाद इंसान की रूह को दो ठिकानों के अलावा तीसरा ठिकाना कोई नसीब नहीं होता। आज दुनिया में गर्मी है, औरत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि वो पर्दा करके निकले, नकाब करके निकले, अपने जिस्म को ढक के निकले। आज ये औरत एक पल्लू अपने चेहरे पर रख के जब अपने घर से बाहर निकलती है, गर्मी की शिद्दत है, इसको घबराहट होना शुरू हो जाती है, घबराहट होना शुरू हो गई, इसने इस गर्मी की हरारत को, गर्मी की शिद्दत को, जो कि खुली फिज़ा में है, खुले माहौल में है, खुली बिल्डिंग में है, ताज़ा आबो हवा है, बेशक गर्मी की हरारत है, लेकिन अगर इसका पल्लू इस घबराहट की वजह से चेहरे से पीछे हट गया, ये पल्लू डलवाया किसने? अल्लाह के मुनहकिमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली ज़ुबान से ये ऐलान करके उम्मत मुहम्मदिया की जितनी भी औरतें हैं उनके लिए ये कानून पास किया कि जब भी वो अपने घरों से निकलेंगी, अपने जिस्मों को लपेट कर निकलेंगी। आज ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अपने घरों से जब निकलें, इस गर्मी की हरारत को, टम्परेचर को, हरारत को और शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए अपने चेहरे से जब वो पल्लू हटा के अपने आप को ताज़ा आबो हवा देने का एक ज़ेहन ले कर निकलती हैं, वहाँ पे उनको ये फिक्र और सोच नहीं होती कि एक वक्त वो भी आने वाला है। आज तुम इसको अपने चेहरे से हटा के गर्मी की शिद्दत को कम करने की सोच रही हो जबकि ताज़ा आबो हवा है, खुली फिजा है, एक वक्त वो भी आने वाला है जब तुझे तीन या पांच चादरों के अंदर बंद करके, तेरे मुंह को बंद करके एक बंद कोठरी में तुझे डाल दिया जाएगा। आज दुनिया है, बड़े बड़े कमरे हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे हैं, एसी है, सारी सहूलियात हैं, उस बंद कोठरी में जब तुम्हें डाल दिया जाएगा, वहाँ पे दो खिड़कियों के अलावा तीसरी खिड़की का कोई नामो निशान नहीं, एक खिड़की जन्नत की है और दूसरा दरवाज़ा जहन्नम का है। दुनिया की गर्मी से बचने के लिए तेरे चेहरे पर पल्लू नहीं टिकता, गर्मी बड़ी है, सांस नहीं लिया जा रहा, गर्मी बड़ी है, वो कब्र जिसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, ऊपर हजारों टन मिट्टी डाल दी जाएगी, वहाँ पे दो खिड़कियों के अलावा कोई खिड़की नहीं। खुश नसीब होंगे वो लोग, दुआ करें अल्लाह भी हमें उन खुश नसीबों में शामिल कर दे जिनके लिए जन्नत के दरवाजे अल्लाह ने खोलने, जिनकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बगीचा बनाना है, जिनकी कब्र में अल्लाह ने एसी लगाने हैं, दुआ करें अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में कर दे और उन बद नसीबों से हमें बचाए कि जिनकी कब्र को जहन्नम बना दिया जाएगा, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। हजरात, हमने उस आखरत की गर्मी से बचने की जैसे तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, कुछ चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है कि जिनके करने की वजह से हमारी आखरत अच्छी हो जाए। वो सबसे पहला काम क्या है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन खुद ऐलान करते हैं, या अय्युहल्लदीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफा, क्या ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल मुकम्मल दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्यों? हमने अपनी आखरत की गर्मी को कम करना है। कब्र की गर्मी आखिरकार है कौन, कैसी गर्मी? आप इस हदीस से, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आका अलैहिस्सलाम का, आका अलैहिस्सलाम के कितने दामाद हैं जो मशहूर हैं सहाबा में से? कौन कौन से हैं भला सहाबा में से जो मशहूर हैं, कौन कौन से हैं? हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आका अलैहिस्सलाम के दौरे दामाद का नाम क्या है? ये सबक मैं याद करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको याद हो, आप अपने बच्चों को याद करवाएँ।
फिल्में, ड्रामे, लतीफ़े, ये सारी बातें हमें बड़ी आती हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो हमें दीन नहीं आता। सहाबा की सीरत नहीं आती, नबी की सीरत नहीं आती, नबी का गज़वात वाला मामला में नहीं आता, जंगों वाला मामला में नहीं आता, खंदक वाला मामला में नहीं आता। और कितने गज़वात नबी अलैहिस्सलाम ने लड़े, इस इस्लाम के लिए लड़े। कभी हमने अपनी औलाद को ये तरजीहात दी हैं? कभी हमने अपनी औलाद को ये असबाक पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए, पता ही नहीं सानू। हमें पता होगा तो हम अपनी औलादों को बताएंगे। आका अलैहिस्सलाम के दो दामाद जो सहाबा इकराम में से थे, एक का नाम हज़रत अली और दूसरे का नाम हज़रत उस्मान, जिनको ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया गया, आका अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद हैं। और कैसे दामाद हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा मस्जिद नबवी की जगह तंग पड़ गई है, आप में से कौन है जो ये साथ वाला प्लाट खरीद के मस्जिद के साथ मिला दे, मस्जिद के साथ वक्फ कर दे, अज़मानु लहुल जन्ना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी नबूवत वाली ज़ुबान से जन्नत की बशारत दूंगा। सहाबा इकराम थे, लेकिन ये तौफीक किनको मिली? उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। उन्होंने प्लाट खरीद के मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने में आते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने देखा मुसलमानों को पानी पीने में बड़ी दुश्वारी है, एक यहूदी का कुआं है जो मुसलमानों को बड़ा तंग करता है, कीमत लेके पानी पीने की इजाज़त देता है। अका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो इस कुएं को मुसलमानों के लिए खरीद के वक्फ कर दे, अज़मानु लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। अका अलैहिस्सलाम का ये प्यारा सहाबी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने उस कुएं को खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने एक जंग के मौके पर ऐलान किया, मेरे सहाबा सामान की ज़रूरत है, साजो सामान की ज़रूरत है, मालो मता की ज़रूरत है, 900 घोड़े और ऊँट बमा साजो सामान, और इसके साथ एक अशरफियों से भरी हुई थैली, दिरमो दिनार से भरी हुई थैली अका अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर कर दी। नबी अलैहिस्सलाम इतना खुश हुए कि उस दिरम वाली थैली को कभी उछाल के अपने दाएँ हाथ पर रखते हैं, कभी बाएँ हाथ पर रखते हैं, और नबूवत वाली ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, माँ जर्रा उस्मान माँ हमीला बादल यौम, कि उस्मान तुझसे आज अल्लाह खुश हो गया, आज के बाद तेरे अमल अगर इसके मुख्तलिफ भी हो गए, तेरे पहले मामलात में कोई कमी नहीं आएगी, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को अलाट कर दिया है। कितने अजमत वाले सहाबी हैं। नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली ज़ुबान से बार बार जन्नत की बशारतें, लेकिन इसके बावजूद सहाबा इकराम बयान करते हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ रहे होते, आखरत का जिक्र आ जाता, कब्र का जिक्र आ जाता, इतना रोते इतना रोते इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। सहाबा इकराम सवाल करते, आखिरकार आपको हो क्या क्या है, क्या हो गया आपको? अल्लाह आपसे राज़ी हो गया, नबी आपसे राज़ी हो गए, आपके लिए बार बार जन्नत का ऐलान कर दिया गया और फरमा दिया गया कि उस्मान आज के बाद कोई भी अमल ना करे, अल्लाह ने इसके लिए जन्नत अलाट कर दी है, कोई भी अमल ये बुरा भी करे, अल्लाह ने इसके लिए जन्नत अलाट कर दी। ऐ उस्मान, आपको तो इतनी बशारतें मिली, इतनी बशारतें मिलने के बाद आपकी कैफियत ये क्या है? कहते हैं, कैफियत क्या ना हो, मैंने नबूवत वाली ज़ुबान से सुना था, अलकब्रु अव्वलु मनाजिल आखिरा, कब्र आखरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है, जो यहाँ से पास हो गया अल्लाह उसको आगे खुद ही पास कर देंगे, और जो यहाँ पे फंस गया आगे के तमाम तर मामला उसके लिए दुश्वारी वाले कर दिए जाएंगे। हजरात, ये कब्र है, अंधेरों का घर है, सांपों और बिच्छुओं का घर है, अंधेरी कोठरी है, हमने इसकी तैयारी करनी है। यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे शिद्दत है, यहाँ पे घबराहट है, हमने उस घबराहट को दूर करने के लिए कुछ इंतजाम करने हैं, और उन इंतजाम को हम करेंगे कैसे? सबसे पहला जो कानून और कायदा है, ईमान वालों, उदखुलु फिस्सिल्म काफा, ईमान में मुकम्मल पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के पीछे ना चलो, शैतान की बात नहीं माननी, इन्नहू लकुम अदुव्व मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और जो खुला दुश्मन होता है उससे मोहब्बत नहीं की जाती, उससे दुश्मनी निभाई जाती है, और वो हमारा दुश्मन है, वो हमारे साथ अपनी दुश्मनी निभा रहा है, हमें नेक कामों से रोक के बुरे कामों की तरफ लेके जाता है कि नहीं, हमारा ज़हन बनाता है कि नहीं, हमारे दिलो दिमाग में इन बातों को डालता है कि नहीं, वो अपना काम कर रहा है, वो अपनी दुश्मनी पूरी निभा रहा है, उसने अल्लाह से वादा किया था अकेला जहन्नम में नहीं जाऊँगा, अपने साथ कईयों को जहन्नम में लेके जाऊंगा, वो अपना किया हुआ वादा पूरा कर रहा है, लेकिन अफसोस हमने भी एक अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे शैतान की नहीं, हम तेरी बात मानेंगे शैतान की नहीं, हम तेरे नबी के कौलो फेल अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे औरों के नहीं, हमने भी वादे किए थे,
पर अफसोस हमने उन सारे के सारे बातों को बुला दिया। हजरात, इंसान मर जाता है, इंसान के मर जाने के बाद दो मुकाम हैं, दो जगह हैं जहाँ पे उनकी रूहों को जगह दी जाती है। नेक बंदा मरता है, उसकी रूह को जन्नत में इल्लीजीन एक मुकाम है। इल्लीजीन याद रखिएगा, इल्लीजीन एक मुकाम है जहाँ पे नेक लोगों की रूहों को जगह दी जाती है, जो सातवें आसमान से ऊपर अल्लाह की जन्नत है। उस जन्नत के अंदर एक ठिकाना है जिसका नाम इल्लीजीन है, और दूसरा ठिकाना जहन्नम। हमारे जहन में क्या, जन्नत जहन्नम सामने आमने आमने सामने, आमने सामने नहीं, ये एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में नहीं। जन्नत सातवें आसमान से ऊपर है और उसके अंदर ये टिकाना है इल्लीजीन का, जहाँ पे नेक लोगों की रूहों को रखा जाएगा। और जहन्नम का एक टिकाना है सिज्जीन, जो सातवीं ज़मीन के नीचे है। वमा अदराक मा सिज्जीन, कुरान पढ़िए, सिज्जीन एक टिकाना है, सिज्जीन एक टिकाना है। असफली साफिलीन, जो सातों ज़मीनों के नीचे, जहन्नम का एक तबका, जहन्नम का एक हिस्सा है जहाँ पे बुरे लोगों की रूहों को रखा जाएगा। दुआ करें अल्लाह का मुलाकमीन हम सब की रूहों को, हम सब के जिस्मों को जन्नत का हकदार बनाए, जन्नत का हकदार। जन्नत में जाने की तड़प मुझे भी है, ख्वाहिश भी है, उम्मीद भी है, हसरत भी है, लेकिन तैयारी नहीं है। हम सबको है लेकिन हमारी तैयारी नहीं है। तैयारी करने के लिए हमें मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, शैतान की पैरवी से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ याद रख लें, कुरान का दूसरा मुकाम समाज फरमाए, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुवा फी ईशतिर राज़िया। कल क़यामत को तराजू लगाया जाएगा, तराजू लगा दिया जाएगा। दुकानदार जानते हैं तराजू क्या होता है। तराजू लगा दिया जाएगा, एक साइड पर नेकियाँ, एक साइड पर बुराइयाँ, एक साइड पे अच्छाइयाँ, एक साइड पे गुनाह, एक साइड पे अच्छे अमाल, एक साइड पे बुरे अमाल, दोनों को रख के तोल दिया जाएगा। अल्लाह का मुलाकिमीन ऐलान करते हैं, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुवा फी ईशतिर राज़िया। जब हम तराजू में रख के इनके अमाल को तोलेंगे, जिस बंदे का नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया, 50 के बराबर इसके गुनाह हैं, इसका नेकी वाला पलड़ा 51 में पहुँच गया, खुश हो जाए ये बंदा। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, ये अब ऐशो आराम वाली ज़िंदगी में है, ये अब जन्नत में जाएगा, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिएगा, ऐश वाली ज़िंदगी जिएगा। ऐश वाली ज़िंदगी से मुराद क्या है, हम क्या चाहते हैं, ऐश वाली ज़िंदगी हमें क्या, सुकून वाली ज़िंदगी हो जाए, आराम हो जाए, कोई टेंशन ना हो, कोई फिक्र फाका ना हो, रोज़ी कहाँ से आनी है, मैंने कैसे कमाना है, ये सारी टेंशनें ख़त्म हो जाए, यही ऐश वाली ज़िंदगी ना, मुझे किसी किस्म की कोई परवाह ना हो। जन्नत में ये सब कुछ मिलने वाला है इंशाल्लाह, अल्लाह हम सबको उनका हकदार बनाने वाला है, बनाने वाला है कि नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह कहते हैं फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुवा फी ईशतिर राज़िया। जिसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया, जिसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया, ये ऐश वाली ज़िंदगी में होगा, अब इस्तराहत वाली ज़िंदगी में है, अब ये जन्नत में मौजे मार के अपनी ज़िंदगी गुजारे। वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया। और रहा वो शख्स जिसने इस दुनिया में रह के ना तो अपने आप को मुकम्मल इस्लाम में दाखिल किया, ना अपने आप को शैतान की पैरवी से रोका, ना शैतान को अपना दुश्मन तस्लीम किया, बल्कि रहमान को छोड़ के ये शैतान की बातों पर अपने कान धरता रहा, शैतान के पीछे लग के इसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। कल क़यामत का दिन होगा, हम तराजू लगाएंगे, इसके नेक और बुरे अमाल को हम तोलेंगे, इसके गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियों वाला पलड़ा उठ जाएगा, इसके गुनाह ज़्यादा, नेकियां कम। अल्लाह कहते हैं फउम्मुहु हाविया, अब हम इसको इसकी माँ की गोद से निकाल के जहन्नम की गोद में फेंकने वाले हैं। वमा अदराका मा हिया, ये हाविया है क्या, नारुन हामिया, जुलसा देने वाली आग, घेर लेने वाली आग। और इसी आग के मुतल्लक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने दूसरे मुकाम पर ऐलान फरमाया, फी आमदिन मुमद्दादा। चार पिलर हो ना, चार पिलर, और चारों पिलरों के दरमियान एक इंसान को कैद कर दिया जाए और उन चारों पिलरों से आग को उसके अंदर फेंक दिया जाए, उस इंसान के ऊपर अल्लाह ने ये मिसाल दे के बात की है कि दरमियान में इंसान होगा, फी आमदिन मुमद्दादा, चारों पिलरों से इसको आग घेर लेगी, चारों तरफ से आग इसका घेराव कर लेगी। हजरात, और इसी बात की
वजाहत करते हुए अल्लाह का मुलाकिमीन ने सूरतुल मुरसलात 29वें पारे की आखिरी सूरत, उसके अंदर अल्लाह का मुलाकिमीन कहते हैं इन्नहा तरमी बिशारिन कल कसर कअन्नहु जिमालतुन सुफर। जब इस इंसान को इस जहन्नम के अंदर, इस हाविया वादी के अंदर फेंक दिया जाएगा, इसके पूरे जिस्म को आग लपेट में ले लेगी और इसके मुंह पर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन आग के अंगारे फेंकेगा। वो अंगारे किस तरह के होंगे उसकी मिसाल दी नबी अलैहिस्सलाम ने। जैसे आप पहाड़ों को देखते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर कअन्नहु जिमालतुन सुफर। तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आती हैं, इन बिल्डिंगों के मानिंद अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इन पहाड़ों को आग की शक्ल देके इंसान के मुंह पर मारेगा। देख तूने शैतान की पैरवी की थी, रहमान की बात को छोड़ा था, आज अपना अंजाम देख। हजरात, हमने दुनिया की गर्मी से जहाँ पे बचना है वहाँ पे हमने अपनी आखरत की गर्मी की बचाव के लिए भी कुछ तदाबीर करनी है, और वो तदाबीर अभी हम समाप्त कर रहे हैं कि वो तदबीरें हमने कैसे कैसे करनी है। हमने अपने आप को सबसे पहले क्या करना है, ईमान में दाखिल करना है, शैतान की बात को नहीं मानना, और इसके साथ साथ हमने फस्तबिकुल खैरात नेकियों वाला काम करना है, नेकियों में एक दूसरे से अपने आप को आगे लेके जाने की कोशिश करनी है कि यार कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। हजरात, इंसानों को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ये जहन्नम के सैंपल दिए हैं। अका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत वाली ज़ुबान से मालिकुल मुल्क ने कई कई ऐसी बातें जहन्नम के बारे में बयान फरमाई कि जहन्नम क्या है, जहन्नम का मंजर कैसा है, जहन्नम किस तरह की होगी और क़यामत के मनाज़र क्या होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत, जब सूर फूंका जाएगा, मुल्क शाम से एक आग निकलेगी, शाम के मुल्क से एक आग निकलेगी जो तमाम इंसानों को महशर के मैदान की तरफ इकट्ठा करने का काम करेगी। लोगों के पीछे आग लगा दी जाएगी, ये आग लोगों को महशर के मैदान में इकट्ठा करने का काम करेगी। कुछ लोग गिरेंगे, कुछ उठेंगे, कुछ चलेंगे, कुछ दौड़ेंगे, कुछ भागेंगे, आखिरकार एक जगह पे आके ये थक जाएंगे, रात हो जाएगी, आग को भी रोक दिया जाएगा, ये आग इनको चारों तरफ से लपेटेगी, कोई इंसान उस आग से पीछे नहीं होगा। ये भी दुनिया की एक आग है, क़यामत का एक छोटा सा मंजर है। हम तसव्वुर करें ना ज़रा कि ये आग जो लोगों को महशर के मैदान में इकट्ठा करने का काम करेगी, इसकी हैबत और कैफियत क्या होगी। हम इमेजिन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, तदबीर कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। घर में जाके चूल्हा जलाएं, अपनी फिंगर को रखे ज़रा एक मिनट के लिए उसके अंदर, क्या कैफियत होगी, रख सकते हैं। कोई गर्म सलाई हो, हमने उसको अपने हाथ में पकड़ा हो, पकड़ सकते हैं। गरम चूल्हा, गरम तवा हो जिसके ऊपर रोटियां बनाई जाती हैं, उस गरम तवे के ऊपर कोई इंसान बैठ सकता है। कल क़यामत का क्या मंजर होगा। अल्लाह तबारक ताला हमें उसकी भी फिक्र, उसकी सोच कर रखने की तौफीक अता फरमाए। सजी है ना, सजी बड़ी मशहूर है, हम खाते हैं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने दुनिया में, हमने शुरू में सुना है ना कि दुनिया में अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी कि जिसका जिक्र किया हो और दिखाया ना हो, जिसकी मिसाल दी हो, जिसका नाम लिया हो, जिसका जिक्र किया गया हो पर उसकी कोई मिसाल ना दी हो। सजी हमने देखा है, सजी खाने वाले जानते हैं, मुर्गी को क्या किया जाता है, गर्म पानी के अंदर फेंका जाता है, उसकी खाल यानी कि उसके बाल सारे उतारे जाते हैं, और उसके बाद उसके पेट से जो कुछ मवाद निकालने वाला होता है वो निकाल के साइड पर कर दिया जाता है, उसको अच्छी तरह से साफ करके उसके पीछे से एक लोहे की सलाख को डाल के उसके मुंह के रास्ते से उसको बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद उसको आग के ऊपर, उस चूल्हे के ऊपर जो कोयलों वाला होता है उसके ऊपर उसको गाड़ दिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हिलाया जाता है, उसके अंदर से पानी टपकता है, पानी टपकने के बाद जब वो पक के तैयार हो जाती है, हम खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने दुनिया में हमें ये चीज़ दिखाई, इसके साथ ही कल क़यामत का मंजर भी रखा, जहन्नम का मंजर भी रखा। अल्लाह कहते हैं मालिकुल मुल्क का ऐलान है, अल्लाह रब रहमान का ऐलान है कि जुर्म की दुनिया से अपने आप को बचा के आना, जो जिम्मेदारियां मैंने तुझे दी हैं उन जिम्मेदारियों को निभा के आना, अपनी जिम्मेदारियों से बरतरफ होके ना आना, अपनी जिम्मेदारियां निभा के आना, जुर्म की दुनिया से अपने आप को बचा के आना। वगरना जिस तरह तुम दुनिया में देखते हो मुर्गी का हाल, हम क्या कर रहे हैं, कल क़यामत का दिन होगा, हम जहन्नम के फरिश्तों से कहेंगे, वो जहन्नम की
शोले मारती हुई सुलगती हुई वो 70 हाथ लंबी सलाख लेके आओ और इसके पीछे से डाल के इसके मुंह से निकालो। खुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फसलकू। जब हमारा ये ईमान है कि अल्लाह सच्चे हैं, नबी सच्चे हैं, अल्लाह का कुरान सच्चा है, नबी का फरमान सच्चा है, तो फिर हमें इन सारी बातों पर ईमान भी लेके आना चाहिए कि यार हमने जुर्म की दुनिया से अपने आप को बचाना है, जुर्म की दुनिया से अपने आप को निकाल के हमने अपने आप को नेकोकार बनाना है ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए, ताकि हम दुनिया और आखिरत के हर किस्म के अज़ाब से अल्लाह की रहमत से बचने के हकदार बन जाएँ। नबी अलैहिस्सलाम अकालम सहाबा इकराम के दरमियान बैठे हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा मुलाकात हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जब जहन्नम को बनाया ना तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया जहन्नम को आग लगा दो। जहन्नम के अंदर आग लगा दी गई, हज़ारों साल इसमें आग जलती रही, हज़ारों साल आग जलती रही, और हज़ारों साल आग जलने के बाद जहन्नम के अंदर की जो कफ़ियत हुई वो सफ़ेद हो गई। जहन्नम अंदर से क्या हो गई? सफ़ेद हो गई। अल्लाह का मुलाकिमिन कहते हैं मेरे फरिश्तों अभी और आग जलाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं हमने और आग जलाई, हज़ारों साल आग जलती रही, जहन्नम का अंदर से रंग सुरख हो गया। हमें हुक्म हुआ और जलाओ और जलाओ, हमने और आग जलाई, हज़ारों सालों तक आग जलती रही, जहन्नम अंदर से काली हो गई और आज भी वो अपनी इस हालत में है। जहन्नम अंदर से काली है, काली उसकी वादियां हैं, काले उसके अंदर मनाजर हैं। एक इंसान गुप्त अंधेरे में बैठा, उसको अपना हाथ ही नज़र नहीं आ रहा होता, एक डरावनी सी कैफियत हो जाती है कि नहीं। तो जिस इंसान को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए और अंधेरी कोठरियों वादियों के अंदर वो जुलसता हुआ जलता हुआ चीखें मारता हुआ चिल्लाता हुआ जाएगा, उसका आलम क्या होगा? नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के अंदर मौजूद हैं, बैठे हैं, अचानक से आवाज़ आई धड़म, जैसे कोई चीज़ गिरती है। सहाबा इकराम डर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे सहाबा आपको पता है ये किस चीज़ की आवाज़ आई? सहाबा कहते हैं अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी हमारे इलम में नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने जब जहन्नम को बनाया था ना उस वक़्त अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि एक बहुत भारी पत्थर को लिया जाए और इस जहन्नम के अंदर उसको फेंक दिया जाए। जब से जहन्नम बनाई गई, जब से उसके अंदर आग जलाने का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक़्त से अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस पत्थर को उसके अंदर फेंकवाया है। 70,000 साल गुजर जाने के बाद आज वो इस जहन्नम की तह में पहुँचा है। जहन्नम की तह को पहुँचा है 70,000 साल बाद। अगर किसी इंसान को उसके अंदर फेंक दिया जाए तो उसका मंजर क्या होगा? अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अपनी आखरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी आखरत की गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम करने वाले आमाल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं, तेरे नबी की उम्मत से हैं, माना के गुनाह कर लिए। ऐ अल्लाह पता नहीं था, तेरी जहन्नम का जिक्र नहीं सुना था, तेरे अजाबों की खबर नहीं थी, ऐ अल्लाह आज पता चल गया है। अल्लाह तू माफ़ कर दे, तू गफूर रहीम है, हमारे सगीरा कबीरा जितने भी गुनाह हैं सब पर माफ़ी के कलम फेर दे। आइंदा से हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अपने उस मेज़ान को जो नेकियों और गुनाहों वाला होगा, हम नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल के कल क़यामत को उन खुश नसीबों में शामिल होंगे कि जिनके नेकियों वाले पलड़े भारी होंगे। अल्लाह तो हमारा शुमार उन खुश नसीबों में कर देना और हमारा शुमार उन बद नसीबों में ना करना कि जिनके गुनाहों वाले पलड़े भारी हो जाएँ और नेकियों वाले पलड़े उनके हल्के हो जाएँ। अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बना, हमारी आखरत भी अच्छी बना। जिंदा रखना तो दीन इस्लाम पर, मौत देना हालत ईमान पर। आखिरी वक्त में हम सबको कलमा नसीब फरमा। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।